नमस्कार, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ स्थिति। इस वक्त ललितपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वरौनी अहमदाबाद 09484 गाड़ी नंबर में शराब का कारोबार है। आपको बता दें कि रेलवे एसी के बरौनी ट्रेन में अटेंडेंट और पेंटी कार खुद शराब का कारोबार कर रहे हैं। वहीं सवाल ये उठता है कि क्या शराब के इस कारोबार में ठेके पर काम करने वाले ठेकेदार ही ये कारोबार चलाते हैं। बताते चलें कि ललितपुर रेलवे स्टेशन पर बरौनी से चलकर अहमदाबाद जाने वाली गाड़ी संख्या 09484 जो कि ललितपुर में शाम तकरीबन 4:15 पर आकर लगभग 15 से 20 मिनट तक रुकती है, जबकि ट्रेन के रुकने का समय 2 मिनट का है, लेकिन ट्रेन अपने तय समय से पहले आने की वजह से करीब 15 से 20 मिनट तक रुकती है। इतने समय में एसी का अटेंडेंट और पेंटी कार गाड़ी से उतरकर शराब की दुकान की तरफ भाग कर जाते हैं और अपने वीआईपी ग्राहकों के हिसाब से शराब लेकर आते हैं। बता दें कि इस शराब को कर्मचारी अपने कपड़ों में छुपाकर या फिर बैग में रख कर लाते हैं, साथ ही उसे ट्रेन में अपने मनमाने दामों पर बेचते हैं। इतना ही नहीं, कर्मचारी धड़ल्ले से कहते हुए भी सुने गए हैं कि शराब कौन से ब्रांड और कितनी मात्रा में चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा। जबकि ट्रेन में रेलवे पुलिस बल भी मौजूद रहता है, तो इस पूरे कारोबार में रेलवे पुलिस का अनजान बने रहना किस ओर इशारा करता है? साथ ही ये कारोबार कब से फल फूल रहा है, ये भी एक सवाल है। जबकि रेलवे में कार्यरत पुलिस आरपीएफ एवं जीआरपी दोनों के ही कार्यालय बाहर ही हैं। वहीं अब सवाल ये भी उठता है कि अटेंडेंट और पेंटी कार रेलवे पुलिस की आंखों में धूल जो अब सवाल ये भी उठता है कि अटेंडेंट और पेंटी कार रेलवे पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर शराब की तस्करी ट्रेन में करते हैं या रेलवे पुलिस खुद इससे जुड़ी हुई है। आप खुद हिडन कैमरा में बनाई गई इस वीडियो में देखें और सुन सकते हैं कि किस तरीके से बिना किसी के डर से ये अटेंडेंट क्या कह रहा है। हेलो, तो हम ये कह रहे हैं, वो मांगेंगे तुमसे, अभी तुम कौन कौन सी बात दारू रखे मतलब क्वालिटी बताओ, हम नाम भूल गए, हम कौन सा नाम कह रहे हैं। जो भी चाहिए वो मिल जाएगी, जो भी चाहिए दारू। हाँ, कौन सी गाड़ी है ना? हाँ मिलोगे तुम, टाइम हो गया तुम पेंटिंग क्या करते उधर? नहीं अटेंड करो पूरी गाड़ी का, पूरी गाड़ी का अटेंड करो। हाँ, जो जी भी दारू चाहिए वो मिल जाएगी, मिल जाएगी पक्का ना? हाँ पक्का। कौन से पूछ रहे हो? बोलना है अभी पूछ रहे हैं, कौन करके बता देना आप, तो फोन करके बता दो, मैं जल्दी से ठीक है। सुनो तो ये कह रहा है यार तू, अगर वो मान लो छोटा वाला क्वार्टर मांगे तो मिल जाएगा? हाँ तो अभी मिल जाएगा, बरौनी के अंदर ना? हाँ, नहीं तो अभी मैनेजर से बात करना पड़ेगी, तुम डायरेक्ट तुम्हें पहुँच जाओगे? पहुँच जाओगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि रेलवे के आला अधिकारी इस पूरे प्रकरण में क्या कार्यवाही अमल में लाते हैं। दिन भर के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनसंदेश टाइम्स पर।